एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक भगतपुर टांडा के अंतर्गत आने वाले गांव सत्तीखेड़ा पहुंचा। लगभग 2500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं ब्लॉक से इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। वर्तमान समय में शीशपाल ने इस गाँव की कमान अपने हाथों में ले रखी है। ग्राम प्रधान शीशपाल का यह गाँव बेहतर स्थिति में नजर आया। इस ग्राम पंचायत में कुल वोटरों की संख्या लगभग 1130 है, जबकि कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या 300 है। इस गांव में विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या 50 है, जबकि वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कुल संख्या 102 बताई गई। गांव में सीसी सड़कों का भी निर्माण कराया गया है, साथ ही प्रधान द्वारा नालियों का भी निर्माण कराया गया है, जिससे गांव की सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। गांव में सड़कों के किनारे हैंडपंप भी लगे दिखाई दिए। गांव में कुल हैंडपंपों की संख्या लगभग 18 है, जबकि गांव को अभी 10 और हैंडपंपों की सरकार से दरकार है। इसी के साथ बिजली व्यवस्था भी बेहतर स्थिति में नजर आती है। गांव में लगे कुल बिजली के पोलों की संख्या लगभग 60 है। वहीं बिजली के 3 ट्रांसफार्मर भी गांव के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। गांव को शौच मुक्त बनाने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों के लिए शौचालय भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को खुले में शौच न जाना पड़े और भारत को स्वच्छ भारत बनाया जा सके। साथ ही ग्राम प्रधान ने कैमरे के अंतर्गत राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पैसा मुहैया कराएं, जिससे शमशान की चार दीवारी और शमशान के जाने वाला रास्ता दुरुस्त कराया जाए। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों का भी निर्माण किया जा सके। ग्राम प्रधान सत्यखेड़ा शिशपाल सिंह, ब्लॉक भगतपुर टांडा, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। मैं सरकार से बताना चाहूँगा कि मेरे ग्राम पंचायत में 1129 वोट हैं। उस वोटिंग के हिसाब से मेरे गांव में रकबा बहुत है। मेरी किस्त कम आती है, लगभग राज्य वित्त की 1,05,000, चौदह वित्त की 1,05,000 और राज्य वित्त की लगभग 55,000-56,000 किस्त आती है। जो पैसा आ रहा है वो अभी तक मैंने RCC रोड बनवाई हैं, जो कि लगभग 400 मीटर के समथिंग बना चुका हूँ। 110 शौचालय कंप्लीट करा चुका हूँ। जो जांच में पात्र व्यक्ति पाए गए 2011 की लिस्ट में 10 आवासों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 5 मकान मेरा बन लिया है और जितना पैसा आ रहा है मैं वो समय से जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगा रही हूँ और जनता के साथ हूँ। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि मेरी अगर ग्राम पंचायत का बजट बढ़ाया जाए तो मैं और अच्छा विकास कर पाऊँ। दूसरा एक ये आता है कि हमारे गांव में शमशान घाट है, जो सांसद जी के माध्यम से बनवाया गया है। छोटा शमशान है सिंगल, और उससे मैं लगभग 400 मीटर का रास्ता जाना है शमशानों के लिए, वो रास्ता बनना चाहिए। उस हेडपम्प की ज़रूरत है और पंचायत भवन की ज़रूरत है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है। और एक अगर कन्या इंटर कॉलेज हो बड़ा, तो हमारे जो है छोटी छोटी बालिकी बालिकाओं को बच्चों को पढ़ाई की सुविधा आएगी। हमारे यहाँ पे इंटर तक की लेवल की पढ़ाई कोई नहीं है। मीडिया ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि सरकार जल्द से जल्द पैसा मुहैया कराए, जिससे गांव में ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं से उबारा जा सके। उन्होंने बताया कि शमशान की चार दीवारी और गांव में शमशान का रास्ता ठीक कराने के लिए सरकार ने अभी तक फंड की व्यवस्था नहीं की है। मैं ग्राम सत्तीखेड़ा ब्लॉक भगतपुर टांडा जिला मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। ये हमारे यहाँ का स्कूल जो है काफ़ी साल से बंद पड़ा है, और मैनेजमेंट इसकी जो कमाई 14 बीघे ज़मीन की जो फसल पैदा होती है उसका खा जाता है, और कुछ नहीं हो रहा, ना इसमें कोई बच्चा पढ़ता है ना कोई टीचर आता। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका मैनेजमेंट के स्कूल को ख़त्म करके और राजकीय इंटर कॉलेज बनाया जाए यहाँ।